हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के टाइटल से आप लोग शायद समझ गए होंगे कि आज का हॉल क्या होने वाला है तो आज का हॉल पूरा बिल्कुल वेडिंग अप्रोप्रिएट है क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें परचेस करना चाहते हैं परचेसिंग के साथ ही साथ आप लोगों की सर्चिंग भी बिल्कुल प्रॉपरली चालू होगी हो तो सकता है शायद इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों की थोड़ी बहुत भी हेल्प कर सकूं तो आपको वीडियो पूरी लास्ट तक देखना है तो पता है कि आपको क्या करना है वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके जाइएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही आगे भी वीडियो देखने के लिए तो बिना देर करते हुए हम चलते हैं माई हॉल की तरफ एंड देखते हैं क्या क्या किया है तो गाई सबसे पहले शादी में होती है हल्दी तो मैंने परचेस किया है येल्लो कलर का ये सूट सेट जो की काफी अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुआ है हम सबसे पहले बात करते हैं इसके दुपट्टे की जो कि इस सूट की पूरी जान है दुपट्टे का फैब्रिक मिलने वाला है आपको ऑर्गेन्जार पूरे ही दुपट्टे में आपको कुछ फ्लावर्स प्रिंट मिलेंगे जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं दुपट्टा वाकई ही बहुत ही सुंदर लगा मुझे ये सूट इतना अच्छा नहीं है सूट का बिल्कुल सॉलिड सा कलर है बट दुपट्टा इसका बहुत सुंदर है अगर आप ऐसा कुछ हल्दी में पहनेंगे तो अब वाकई ही बहुत सुंदर लगने वाले हैं इसके बाद हम करते हैं इसके कुर्ते की बात तो कुर्ता आपको पूरा प्लेन मिलने वाला है इवन आपको पैंट भी पूरा प्लेन मिलेगा हम कुर्ते के फैब्रिक की बात करें तो कुर्ते का फैब्रिक कॉटन है कॉटन जो है थोड़ा सा टाइट वाला कॉटन है बहुत कड़क वाला कॉटन है हो सकता है शायद वॉश करने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट सा कॉटन हो जाए आ, तो मैं इसका आफ्टर वॉश रिव्यू भी शायद आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप लोग देखना ना भूलें तो साइड से नैक आपको राउंड मिल जाएगी पूरा कुर्ता प्लेन है हम इसकी स्लीव्स की बात करें तो स्लीव्स इसकी आपको मिलने वाली है थ्री फोर्थ हम इसके बैक साइड की बात करें तो बैक भी आपको पूरा प्लेन मिलने वाला है एंड इसमें अंदर मिलने वाला है आपको इनर जो कि सेम कॉटन फैब्रिक का ही है इनर आपको स्लीव्स में नहीं मिलेगा स्लीव्स आपको पूरी प्लेन मिलेगी बट जो इनर है आपको वही कुर्ते में मिलने वाला है और ये कुर्ता आपको पूरा कफ लेंथ तक आएगा जैसा कुछ परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं इसके पैंट की पैंट आपको बोथ साइड से इलास्टिकेटेड मिल जाएगा और एक साइड आपको मिल जाएगी इसमें पॉकेट और ये पॉकेट राइट हैंड साइड में है पैंट आपको आने वाला है एंकल लेंथ में और पैंट की फिटिंग बहुत बढ़िया है फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक सेम आपको कॉटन मिलने वाला है और सॉलिड कलर होने के कारण आप इसे फर्दर मिक्स एंड मैच में भी यूज कर सकते हैं इसी के साथ साथ हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे या फिर नेक्स्ट सूट सेट पे कह सकते हैं जो की होती है मेहंदी तो मेहंदी में हम पहनते हैं ग्रीन कलर मैंने परचेस किया है मेहंदी के लिए ग्रीन कलर का सूट सेट जो कि सिंपल सा है बहुत ही सुंदर सा है और यह है ब्रांड बोर्ड से ये मिलने वाला है आपको प्योर कॉटन में कुर्ता प्लेन है सॉलिड कलर है मैं फिर आपको इससे एक बार और कहूंगी कि आप इसे फर्दर मिक्स एंड मैच में यूज कर सकते हैं कुर्ता मिलने वाला है कुछ ऐसा पूरा ही प्लेन सूट सेट है नेक इसका मिलने वाला है आपको टेम्पल शेप का एंड नेक पे मिल जाएगी आपको पोर्टली बटन की डिटेलिंग जो कि काफी सही लग रही है कुर्ते में इसकी स्लीव्स मिलने वाली है आपको थ्री फोर्थ एंड स्लिप्स में मिल जाएगी आपको गोल्डन कलर की गोटे पट्टी से डिटेलिंग हम इसके बैक साइड की बात करें तो बैक साइड भी आपको पूरा प्लेन मिलने वाला है तो करते हैं इसके बॉटम की बात तो बॉटम में आपको मिलने वाला है प्लाजो प्लाजो चौड़ा तो नहीं है बट आप सही साठ लेंथ है फ्रंट में आपको इसमें बेल्ट मिल जाएगा बैक साइड से इलास्टिकेटेड मिल जाएगा आपको लंबाई बिल्कुल प्रॉपर लंबाई है चौड़ाई थोड़ी सी कम है प्लाजो के हिसाब से बट ठीक है चल जाएगा एंड सेम अगेन आपको फिर से मिल जाएगी गोटे की डिटेलिंग प्लाजो में भी एंड इसके साथ थर्ड पीस मिलने वाला है दुपट्टा जो कि सेम कलर का है बट बहुत ही सुंदर दुपट्टा है बिल्कुल बनारसी दुपट्टे का लुक आ रहा है इसमें दुपट्टे की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बढ़िया वाली लंबाई और चौड़ाई है आप देख सकते हैं कि कितना चौड़ा है दुपट्टा ये वाकई ही काफी चौड़ा दुपट्टा है ये इतना चौड़ा दुपट्टा है ये इसमें मिल जाएगा आपको गोल्डन कलर के थ्रेड से वर्क पूरे में ही ग्रीन कलर के दुपट्टे में बूटी बूटी बनी हुई मिल जाएगी दुपट्टा वाकई ही काफी चौड़ा है और दुपट्टों की अपेक्षा ये वाकई काफी चौड़ा है मतलब ये लग रहा है कि पूरी साड़ी की लेंथ तो ऐसा फील आ रहा है इस दुपट्टे में सूट सेट भी वाकई बहुत सुंदर है आप इनसे चाहे तो इसे भी रख सकते हैं एंड इसी के साथ तो अगेन हम चलते हैं ग्रीन कलर के सूट सेट पे मैंने मेहंदी फंक्शन के लिए दो सूट सेट पिक करे थे जो कि है ब्रांड इंडो इरा से सूट सेट बिल्कुल सिंपल सा है बट लुकवाइज से काफी अच्छा लगता है सबसे तो पहले हम बात करते हैं इसके कुर्ते की तो कुर्ता कुछ आपको ऐसा मिलने वाला है इसकी नेक आपको दोनों साइड से ही राउंड मिलेगी एंड नेट पे मिलने वाला है की होल की होल के साथ आपको एक बटन मिलेगा जो कि वर्केबल है आप इसे खोल सकते हैं और आपको मिलने वाली है बॉटल ग्रीन कलर की पाइपिंग जो कि बहुत अच्छी लग रही है नेक पे पूरे ही कुर्ते में आपको फ्लावर प्रिंट मिल जाए ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर से और सेल्फ में ही इसमें थ्रेड वर्क किया गया है या फिर जरी वर्क है जो की पूरे ही कुर्ते में आपको लाइनिंग देखने को मिल रही होंगी ये सेल्फ में ही है उभरा हुआ वर्क नहीं है बट ये दिख रहा है बहुत अच्छा लग रहा है ये हम इसकी स्लीव्स की बात करें तो इसकी थ्री फोर्थ मिलने वाली है सेम वही प्रिंट पूरे ही कुर्ते में है जो काम पाइपिंग का नेक पे किया गया है वही स्लीव्स में भी किया गया है हम इसकी इसकी लेंथ 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 की बात करें तो कफ आने वाली है हम इसके बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में भी आपको वही सेम प्रिंट मिलेगा कुर्ते में एंड पीछे साइड भी आपको ये गोल्डन कलर की जरी देखने को मिलेगी एंड इसके साथ बॉटम में आपको मिलने वाला है प्लाजो जो कि पिस्ता ग्रीन कलर का है प्लाजो पूरा प्लेन रखा गया है इंडो इरा का पैंट है तो आपको फ्रंट से बेल्ट मिलने वाला है एंड बैक साइड से मिल जाएगा एंड आपको राइट हैंड साइड पे मिल जाएगी पॉकेट प्लाजो की चौड़ाई बहुत बढ़िया रखी गई है प्लाजो के एंड में आपको मिलने वाला है गोटा पट्टी का, का काम और साथ ही साथ कुर्ते के कुछ फैब्रिक का भी काम मिलेगा एंड आपको ट्राइंगल शेप वाली लेस मिल जाएगी पूरे प्लाजो में मैं ऐसा भी आप कुछ ट्राई कर सकते हैं आपके ऊपर वाकई ही बहुत अच्छा लगने वाला है फर्स्ट वाला पीस नहीं लेना चाहते तो आप सेकंड ट्राई कर लीजिएगा सेकंड नहीं लेना चाहते तो फर्स्ट जरूर ट्राई करके देखें आप इसके साथ पेयरअप में मिलने वाला आपको दुपट्टा जो कि मिलने वाला है बॉटल ग्रीन कलर का पूरे ही दुपट्टे में आपको कुछ ऐसा गोल्डन कलर का लाइनिंग वाला वर्क मिल जाएगा ये सिर्फ दुपट्टे के एंड पार्ट में किया गया है और साथ में आपको ये हल्का हल्का थ्रेड वाला नॉट्स भी देखने को मिल जाएगी दुपट्टे के एंड में सूट सेट बाकी बहुत सुंदर है सुंदर होने के साथ साथ ये सारे के सारे पीस बिल्कुल बजट फ्रेंडली हैं इन सभी प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक होगी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और इन्हें परचेज कर सकते हैं इसी के साथ साथ हम चलते हैं मैं नेक्स्ट एंड लास्ट पीस पे देखिए हल्दी हो गई एंड मेहंदी भी हो गई अब बचा क्या अब बची शादी तो अगर आप चाहें तो ऐसा कुछ भी ट्राई कर सकते हैं जो लोग बहुत हैवी पहनना पसंद नहीं करते हैं वो कुछ ऐसा ट्राई कर सक किया है बिल्कुल वाइन कलर में एक सूट सेट दिखने में बहुत ही सुंदर है और बहुत ही बजट फ्रेंडली था तो इसे परचेस किया अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप इसे परचेस करें अदरवाइज नहीं ये ब्रांड गोर्सरी की से है तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं एक बार सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुर्ते की कुर्ता आपको मिलने वाला है कुछ ऐसा एंड कुर्ते में आपको नेक मिलने वाली है फ्रंट में राउंड एंड बैक साइड से भी हल्का सा राउंड है और आपको यहां मिल जाएगा ये पूरी गोल्डन कलर की जरी का काम नेक पे हल्की तो हल्की सी बूटी बनी मिल जाएंगी वो भी जरी से की गई है गोल्डन कलर की ये वर्क पूरे ही कुर्ते में किया गया है गोल्डन कलर की जरी से हम करें इसकी स्लिप्स की बात तो स्लिप्स इसकी मिलने वाली है आपको थ्री फोर्थ एंड स्लिप्स में वही नेक वाला आपको लेस का काम मिल जाएगा हम करते हैं इसके बैक साइड की बात तो बैक साइड आपको तो पूरा ही प्लेन मिलने वाला है इसके बॉटम में मिलने वाला है आपको पैंट पैंट मिलेगा आपको बोथ साइड से लास्टिकेटेड एंड इसमें सेम आपको एक साइड पॉकेट मिल जाएगी राइट हैंड साइड पे इसकी लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो लंबाई एंड चौड़ाई दोनों ही बिल्कुल प्रॉपर है जितना एक नॉर्मल पैंट की होती है पैंट आपको पूरा प्लेन मिलेगा एंड इसके साथ मैचिंग में आपको मिलने वाला है दुपट्टा जो कि है नेट फैब्रिक में दुपट्टे की लंबाई तो प्रॉपर है बट चौड़ाई इसकी बाकी ही बहुत कम है सिर्फ इतनी सी है जो लेस का काम नेक पे किया गया है वही लेस का, का काम पूरे दुपट्टे में किया गया है दुपट्टे के चारों तरफ आप ऐसा कुछ भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको मेरा कलेक्शन थोड़ा बहुत पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो